अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको मिस्टर रसल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा और फोक्स नेटवर्क स्मैकडाउन के किस सेगमेंट से नाराज हुआ है और जिसे उसने अपने नेटवर्क के ऊपर काट दिया है। इसके अलावा अंडरटेकर ने स्टिंग के खिलाफ मैच को लेकर क्या कहा और क्या क्रिस्टन वर्सेज रैंडी ऑर्टन का मैच कन्फर्म होगा एक्सट्रीम रूल के पेपर व्यू के लिए। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाली है, जिसे आप जरा भी मिस ना कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से, या फिर मैं कहूँ सैटरडे की मॉर्निंग से, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के जो टाइम का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्मैकडाउन है वो फ्राइडे नाइट अमेरिका में, जबकि सैटरडे की मॉर्निंग पाकिस्तान में लाइव आता है। तो फिलहाल ये वाला शो लाइव तो नहीं है, बल्कि WWE इसे प्री रिकॉर्ड करके ही हमें दिखाएगी। तो कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फायरफ्लाई फन हाउस में ब्रे वाइट अपना रिटर्न करने वाले हैं, तो देखना होगा कि इस सेगमेंट में आकर वो किस सुपरस्टार को अब चैलेंज करते हैं। इसके अलावा एजे स्टाइल्स को मिलेगी उनकी सेलिब्रेशन रेड कार्पेट के ऊपर कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर, जहां पर वो आकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। देन इसके अलावा मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर उनके स्पेशल गेस्ट होंगी सोनिया डेविल, जो कि एड्रेस करेंगी अपनी और सोनिया डेविल के दरमियान रिलेशनशिप को कि किस तरह उसमें बिगाड़ पैदा हुआ और वो ब्रेकअप हो गया। तो कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ये तीन चीजों को हेडलाइन कर रही है। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ आएं, जो कि क्रिस्टन को लेकर है। तो लास्ट मंडे नाइट रॉ में आपने देखा था कि रैंडी ऑर्टन ने अटैक कर दिया था क्रिस्टन के ऊपर, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि इन दोनों सुपरस्टार का जो मैच है वो सेट हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स के लिए। तो WWE के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्रिस्टन को अनक्लियर कर दिया है इन रिंग एक्शन के लिए। तो क्रिस्टन के फैंस के लिए यहाँ काफी बुरी खबर है, जो कि उनका मैच रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट देखना चाहते थे। अब WWE की डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब ये मैच एक्सट्रीम रूल में हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट की तरफ आते हैं, जो कि अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग के मैच को लेकर है। तो लास्ट नाइट में अंडरटेकर से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर के मैच का जो होप कर रहे हैं फैंस, उसके ऊपर आपको क्या रिप्लाई होगा, जिसके जवाब में अंडरटेकर कहते हैं कि इस दुनिया में आप नेवर से नेवर के टर्म्स को यूज कर सकते हो, तो इस गेम में कुछ भी हो सकता है और ये मैच भी होने के चांसेस आपको यहाँ से अब बढ़ते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडरटेकर ने इस मैच के लिए नाम नहीं की। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट की तरफ आते हैं, जो कि स्मैकडाउन को ही लेकर है। तो लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आपने देखा था एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेगमेंट, जहां पर जेफ हार्डी लाइव कैमरा के सामने एक ग्लास में पेशाब करते हैं, जिसके बाद वही पेशाब वाला जो ग्लास होता है, जो जग होता है, वो शीमस के मुंह पर दे मारते हैं। तो इस सेगमेंट से जो फॉक्स नेटवर्क की इंतजामिया है वो काफी ज्यादा नाखुश है और इस सेगमेंट को लेकर उन्होंने WWE से काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया है और आने वाले दिनों में आपको इस तरह के सेगमेंट अब स्मैकडाउन के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि इस तरह के सेगमेंट आपको मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिले, क्योंकि मंडे नाइट रॉ का शो एक डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि USA TV नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा अपनी फाइनली अपडेट की तरफ आते हैं, जो कि उस हैकर को लेकर है जिसे आप पहले स्मैकडाउन का हैकर कहते थे। तो रेसलिंग एक्सपर्ट डेव मेल्टजर ने कहा है कि जो स्मैकडाउन का हैकर है वो बन चुका है अब मंडे नाइट रॉ का हैकर। तो यहाँ पर मुस्तफा अली की उन्होंने काफी ज्यादा बात की कि जो सेगमेंट हैकर के आपको दिखाई देते थे उसके पीछे मुस्तफा अली को हाईली प्रायोरिटाइज किया जाता था कि मुस्तफा अली ही इस हैकर के पीछे हो सकते हैं। तो लास्ट वीडियो जो आपको हैकर की देखने को मिली थी अबाउट एक मंथ पहले, जिसमें उस हैकर ने मंडे नाइट रॉ के रोस्टर को टारगेट किया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये हैकर पूरे WWE का हैकर बन चुका है, वो किसी एक ब्रांड का हैकर नहीं रहा। तो मुस्तफा अली और हैकर की गाड़ियां एक मरतबा फिर से इस रिपोर्ट के बाद जुड़ना शुरू हो गई हैं कि हो सकता है कि WWE मुस्तफा अली को एज ए हैकर के कैरेक्टर में ही मंडे नाइट रॉ के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाए। तो फाइनली क्या होता है इसका अंदाजा तो हमें अगली मंडे नाइट रॉ को देखकर ही पता चलेगा। वेल, आपकी क्या राय है कि आप मुस्तफा अली को हैकर के कैरेक्टर में देखना चाहते हो या फिर उनके पुराने वाले कैरेक्टर में ही आप हैप्पी हो? वेल, कमेंट करके आप मुझे लाजमी बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जाने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स उर्दू में जानने को मिलती रहें। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।